नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते विस्तार से। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व उपराष्ट्रपति माइक पेंस की दावेदारी पर मुहर लगा दी गई। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में 74 वर्षीय ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन की चुनौतियों का सामना करेंगे। सम्मेलन के परमानेंट चेयर व प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन नेता केविन मेकार्थी ने पेंस के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी के रूप में चुने जाने की घोषणा की। पेंस डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस की चुनौतियों का सामना करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जहां कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर भारतीय अमेरिकियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, वहीं रिपब्लिकन पार्टी ने निक्की हैली को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन स्टार वक्ताओं में शामिल किया है। एक दिन पहले ही भारतवंशियों को साधने के लिए ट्रंप ने मोदी के साथ वाले वीडियो साझा कर चुके हैं। रिपब्लिकन राष्ट्रीय अधिवेशन 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें दक्षिण कैरोलिन की 2 बार गवर्नर रह चुकी एकमात्र भारतीय मूल की नेता निक्की हैली को ट्रंप अभियान ने मुख्य वक्ताओं की सूची में शामिल किया है। जैश ए मोहम्मद के अमीर मौलाना अब्दुल रऊफ अशगर और आईएसआई के 2 शीर्ष अधिकारियों के बीच 20 अगस्त को रावलपिंडी में हुई बैठक के बाद से भारतीय खुफिया प्रतिष्ठान हाई अलर्ट पर है। एक गोपनीय खुफिया नोट से पता चला है कि अशगर का भाई मौलाना अम्मार भी इस बैठक में शामिल था। बालाकोट हवाई हमले के बाद अम्मार ने एक ऑडियो जारी किया था, जिसमें भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को रिहा करने को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना और भारतीय वायुसेना द्वारा जैश ए तालिम उल कुरान मदरसा को निशाना बनाने का बदला लेने की बात कही गई थी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बार फिर इस्लामाबाद का दमनकारी चेहरा उजागर हुआ है। पीओके के मुजफ्फराबाद शहर में सोमवार रात चीनी कंपनियों द्वारा नीलम झेलम नदी पर मेगा बांधों के निर्माण को लेकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने हाथों में मसाल लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ समिति से आने वाले प्रदर्शनकारियों ने नीलम झेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो जैसे नारे लगाए। इस रैली में शहर और पीओके के अन्य हिस्सों से आए हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए। अमेरिका ने हिंद महासागर स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर अपने 3 घातक B-2 स्टेल्थ बम वर्षक तैनात कर दिए हैं। ताइवान और लद्दाख में भारत के साथ चीन के तनाव के बीच परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इन विमानों को यहां तैनात किया गया है। अमेरिका ने इससे चीन का संकेत दिया है कि वह क्षेत्र में युद्ध की स्थिति पैदा नहीं करे। रिपोर्ट के मुताबिक रडार की पकड़ से खुद को दूर रखने में माहिर यह बम वर्षक 12 अगस्त को डिएगो गार्सिया पहुंचे। टिकटॉक पर पाबंदी को लेकर चीन की कंपनी ने अमेरिका की सरकार को अदालत में घसीटा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के बीच टिकटॉक ने अदालत से अपील किया कि ट्रंप प्रशासन को कंपनी पर बैन लगाने से रोका जाए। सोमवार को टिकटॉक ने ब्लॉग के जरिए कहा है कि इसकी मूल कंपनी बाइटडांस लिमिटेड ट्रंप प्रशासन के आदेश को चुनौती देने जा रही है, जिसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के जरिए अमेरिकी नागरिकों को टिकटॉक के साथ व्यापार करने से रोका जाएगा। हालांकि अब तक इस आदेश का कोई असर नहीं दिखा है, लेकिन इससे तनाव पैदा हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि चीनी व्यापार से उसके देश को खतरा है। अमेरिका में चक्रवाती तूफान मार्को और लॉरा की दस्तक हो चुकी है और इससे ठीक पहले तक लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कोशिशें जारी रही। राष्ट्रपति ट्रंप ने लुइसियाना के जरिए आपात मदद को भी मंजूरी दी है। इससे पहले चक्रवाती तूफान ने क्यूबा में तबाही मचाई, यहां हजारों लोग पलायन को मजबूर हो गए, जबकि 11 की मौत के समाचार हैं। बताया जा रहा है कि डोमिनिकन गणराज्य में लॉरा तूफान के कारण देश में 10 लाख से अधिक घरों की बिजली चली गई है, जबकि 1000 से अधिक लोग घर खाली करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहां इसाबेला नदी के किनारे कई घर ढह गए हैं। इसराइल के यवने शहर में एक खजाना पाया गया है। इसमें सोने के बने अत्यंत दुर्लभ 425 सिक्के मिले हैं, जो करीब 1100 साल पुराने बताए गए हैं। इसराइल के पुरातत्वविदों ने सोमवार को इसके बारे में बताया। हाल ही में उन्हें यवने शहर के पास रक्षित संपत्ति की खुदाई के दौरान शुरुआती इस्लामी काल के सोने के सिक्कों का खजाना मिला है। देश के पुरातत्वविदों लियात नदाब जीव और एली हाद ने एक संयुक्त बयान में कहा कि खुदाई में 425 सिक्के मिले हैं, जो पूरी तरह सोने से बने हैं। इनमें से अधिकतर लगभग 1100 साल पहले अब्बासिद काल के सिक्के हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ खोज है। उन्होंने कहा कि सिक्कों के इस खजाने की खोज युवा वॉलंटियर्स ने की है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की अध्यक्षता वाले एक सिक्योरिटी पैनल ने पाकिस्तान को झटका दिया है। पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बियों के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मांगा था, जिसे देने से बर्लिन ने साफ इनकार कर दिया है। जर्मन फेडरल सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को यह फैसला 6 अगस्त को सुना दिया था। सिस्टम से
पनडुब्बियों की जंगी क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे डीजल इंजन बिना एटमॉस्फेरिक हवा के हफ्तों चल सकते हैं। परंपरागत पनडुब्बियों को हर दूसरे दिन सतह पर लौटना पड़ता है, जिससे उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।